मदरसे में किसी मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए जाता है तो आप ये यकीन करें, ये यकीन करें कि वो जमीन पर नहीं चल रहा है, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसे अपने पैरों पर चला करके मस्जिद तक पहुंचा रहे, अपने पैरों को उसके लिए बिछाए लिए। वो नन्ना मुन्ना मासूम ऐसे नहीं है जो कुरान को सीखा। आज हमारे यहां कितना बदलाव आ गया। अगर एक बच्चा हमारा इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ता है तो हमारे घर के अंदर उसकी कितनी अहमियत होती, कितना इंपॉर्टेंस हम उस बच्चे को देते। लेकिन एक बच्चा अगर मस्जिद में जाकर के कुरान सीखता है, अरबी जबान सीखता है, अरबी के अल्फाबेट सीखता है, नमाज की तालीम सीखता है, दुआ सीखता है, तो हमारे ही घर में उसके साथ सौतेला सलूक किया जाता है कि नहीं है? सौतेला सलूक किया जाता है मेरे भाई और मेरे दोस्तों। हालांकि ये बच्चा जो कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है, इसके साथ अल्लाह के फरिश्ते होते हैं, फरिश्तों के पर इसके लिए विषय होते हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत को नहीं समझते। उसके कपड़े अलग है, नॉर्मल कपड़े हैं उसके, जो स्कूल में पढ़ता है उसके अपटूडेंट कपड़े, अच्छे कपड़े, अच्छा लिबास है, इसके लिए जूते अलग है, उसके लिए जूते अलग है, क्वालिटी है मेरे भाइयों। हमने बंटवारा कर दिया है, सौतेला सलूक कर दिया। वो बच्चे जो आज स्कूलों में जा रहे हैं, हमारे घर की माए और बहने काजल क्रीम पाउडर लगा करके, सवार करके, सजा करके, मस्ता टांग करके, पानी का बॉटल लेकर के, सारी चीजें बिल्कुल अप टू डेट बना करके उन्हें स्कूल ले जाती, स्कूल के गेट पे ले जाकर के छोड़ती, उनका वेलकम किया जाता, फिर जाके वहां से रिसीव करती। एक अहमियत होती है उसकी, अहमियत देती, मेरा बच्चा बड़ा स्कूल में पढ़ रहा है। मैं तालीम की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, आप तालीम दे, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन हमने जो सौतेला शुरू कर रखा और वहीं पर अगर सिकंद नंबर का हमारा लड़का या लड़की किसी मस्जिद में जाती, जा बेटा चले जा, जा चले जा, जरा रास्ता पर बचा के निकल जाना, गाड़ी मोटर देख करके जाना, आराम से चले आना। कोई उसे स्कूल छोड़ने वाला नहीं, मस्जिद छोड़ने वाला नहीं है, कोई उसे मदरसे तक पहुंचाने वाला नहीं है, कोई उसे उस्ताद के पास पहुंचाने वाला नहीं है, कोई उसकी अहमियत नहीं। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहें, उसकी कितनी अहमियत है कि बाप दोनों बेटों के दरमियान सौतेला सलूक करता है, लेकिन इस बच्चे के लिए जिसे छोड़ देता है, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते अपने पैरों को बिछाते, अपने पैरों को बिछाते उस पर चल कर जाता। और सिर्फ यही नहीं, हजरत अबू दर्दा कहते अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर ये पढ़ लेता है, कुरान पढ़ना सीख गया, अरबी जुबान के अल्फाबेट जान गया, कुछ दुआएं उसने याद कर ली, नमाज का तरीका उसे आ गया, वजू बनाने का तरीका आ गया, जानकारी हासिल हो गई, वइन्नल आलिम यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, तो इस पढ़ने वाले तालिबे इल्म के लिए जिसने कुछ इल्म हासिल कर लिया है दीन का, इसके लिए पूरे आसमान में रहने वाले अल्लाह के फरिश्ते और दुनिया में रहने वाले अल्लाह की तमाम मखलूकात मगफिरत की दुआ मांगती, उसका दर्जा कितना बुलंद है। यही शुरू है, बाहर का, यहां तक कि मछलियां समंदर की तहों में अल्लाह उन्हें मुकल्लफ करता है कि ये मेरा मासूम बंदा जो मेरे दीन को हासिल करने के लिए मस्जिद में जा रहा है, कुरान और अरबी को सीखने के लिए आ रहा है, इसके घर वाले इसके पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन अल्लाह है, अल्लाह है, फरिश्ते हैं, फरिश्तों को अल्लाह ने लगा रखा, उसके लिए रहमत की दुआ करते, उसके लिए अल्लाह से बरकत की दुआ करते। आप देखें, इसीलिए आप देखें डिफरेंस एक मस्जिद के अंदर, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आप उसे किसी दूसरे एंगल से ना सोचे, एक मिसाल दे रहा हूं, एक मस्जिद के अंदर अगर एक इमाम साहब है ना इमामत करवा रहे, आपके महल्ले के अंदर बहुत सारी मस्जिदें कितनी पगार देते, ज्यादा से ज्यादा 8,000, 7,000, 10,000 देते, आप देखिए उनकी जिंदगी कैसे गुजरती, पैसों की वजह से उनकी जिंदगी नहीं गुजरती है, जो इल्म हासिल किया है उसकी वजह से अल्लाह ताला उन्हें 10,000, 8,000 में बरकत देता। और एक आदमी जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, 1,00,000 की पगार हासिल कर रहा है, 50,000 की पगार हासिल कर रहा है, दिन भर ड्यूटी भी कर रहा, परेशान हाल रहता, नफ्सियाती तौर पर उसे उतना इत्मीनान नहीं हासिल होता है, अंदरूनी तौर पर वो इतना मुतमइन नहीं होता है जितना मस्जिद के अंदर इमामत करने वाला 5,000 का 8,000 का 9,000 10,000 का मुअल्लिम होता। ये दुनिया के अंदर आप खुद देख रहे हैं, इंसान महसूस करता है ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह का वादा है, हम उसके लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं, तो जो जिसके लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं उसका क्या पूछना, कुछ
कि वो फजलुल आलिम अलल आबिद, ना एक आलिम की फजीलत एक इबादत गुजार पर। समाज में दो आदमी, एक आदमी इल्मे दीन वाला और एक आदमी इबादत करने वाला है जिसके पास इल्म नहीं है, का दोनों अच्छे, दोनों इबादत करें, इल्म भी इबादत है और इबादत करना, नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, तस्बीहात और तहलील करना इबादत है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना, डिफरेंस कितना। अल्लाह के नबी ने कहा कि एक आदिम की फजीलत एक आबिद पर, कफदलिल कमर अला सारिल कवाकिब, जैसे एक चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। कहा ये जो इबादत करने वाले हैं ये सितारों की तरह से जो छोटे छोटे आसमान में चमकते, और आलिम की मिसाल ऐसे है कि वह आसमान में चांद की मानिंद है जो सबको उजाला देता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये इल्मे दीन की वजह से, आलिम की वजह से नहीं। मैं आज ये सोचूं कि मैं आलिम हूं तो मेरी वजह से मुझको नहीं, वो इस इल्म की वजह से है जिसे अल्लाह ने मुझे आपको या किसी को दिया है, इस मासूम बच्चे को दिया, तो उसे वो फजीलत हासिल है जो उसके सीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि वइन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कहा और यही इल्म सीखने वाले 5 साल का कुरान पढ़ रहा है या 40 साल का आलिम है, यही इल्म सीखने वाले यही अंबिया के वारिस, यही अंबिया के वारिस है। कहा नबियों का मिशन यही था कि वो लोगों को कुरान सिखाते थे, दीन का इल्म सिखाते थे, अल्लाह के अरबी जुबान की तालीम देते थे, और ये भी वही सीख रहा है, वही सिखा रहा। तो इसका मिशन नबियों के मिशन की तरह से है, इसका रास्ता नबियों के रास्ते की तरह से है, और इसे जो मीरास मिली है वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ट्रांसफर होकर के हजरत सहाबाए किराम से होते हुए, मुहद्दिसीन इज़ाम से होते हुए यहां तक पहुंची। कहा इन्नल अंबिया लम युवरिसू दीनारन वला दिरहमन, कहा अंबिया जब दुनिया के अंदर आए और इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो उनके पास माल नहीं था, उनके पास बैलेंस नहीं था, बंगला नहीं था, पैसे नहीं थे, तिजौरिया नहीं थी, कहा दीनार दिरहम छोड़कर के नहीं गए नबी यहां पे। अल्लाह ने उनको जिस मिशन को देकर के भेजा था वो इसी मिशन को छोड़ करके गए। उनका मिशन क्या था, वइन्नमा वरसुल इल्म, इन्होंने मीरास में जो चीज छोड़ी है वो इल्म है, तालीम देना है, दीन को सिखलाना है। कहा उसके बाद कामयाब इंसान कौन है, फमन अखद बिही अखद बिहद्दिन वाखिरिन, जिसने नबियों के मिशन से अपने आप को जोड़ लिया और नबियों के मीरासे इल्म में से अपना हिस्सा बना लिया, तो वही आदमी कामयाब है, वही आदमी कामयाब है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए एक दूसरी हदीस के अंदर बहुत क्लियर बयान फरमाया, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्करा फरमाया सुनन तिर्मिजी की सही रिवायत में, कहा कि वो आदमी जो लोगों को खैर की तालीम देता, खैर भलाई, सबसे बड़ी भलाई क्या आप जानते हैं, सबसे बड़ी नेकी क्या है और सबसे बड़ी बुराई क्या है, यह आप बता दें हमको, एक सवाल है। बहुत सी नेकी आप करते हैं दुनिया के अंदर, सबसे बड़ी नेकी क्या है और सबसे बड़ी बुराई क्या है, सबसे बड़ी नेकी इस कायनात में अल्लाह की तौहीद है, ये सबसे बड़ी नेकी, तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा और उसके तकाजे को आपने सीख लिया, अल्लाह की तौहीद को सही तरीके से जान लिया, और सबसे बड़ी बुराई क्या है, जिसे हम और आप कहें कि सबसे बड़ा पाप क्या है, शिर्क सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की तौहीद है और सबसे बड़ा पाप शिर्क है। अगर आप तौहीद करते हैं, तौहीद को सीखते हैं, तौहीद पर अमल करते हैं तो अल्लाह राजी होता, और अगर आप शिर्क करते हैं तो अल्लाह उसी के मुकाबले में उतनी ज्यादा नाराज होता है, दूसरी बुराइयों से उतना नाराज नहीं होता, नाराजगी सब में होती है, गुनाह सब में मिलता है, अल्लाह इतना नाराज होता है, इतना नाराज होता है कि उसे माफ नहीं कर सकता है। अगर मरने से पहले शिर्क करने वाले ने इस दुनिया के अंदर तौबा नहीं किया और अल्लाह की तरफ से तौबा की तौफीक और सआदत हासिल नहीं, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वो आदमी जो लोगों को खैर सिखलाता, तौहीद सिखलाता, कहा कि उसके लिए अल्लाह ताला भी
दुआ करता। दुआ का मतलब यह है कि अल्लाह अपनी रहमत उसके ऊपर भेजता। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु, अल्लाह के फरिश्ते भी उसके लिए रहमत की दुआ करते। उसके बाद कहा कि वह हर समावत आसमान में रहने वाली जितनी मखलूक है सब दुआ करती, कुछ बचा नहीं। वह अहलुल अर्द और जो जमीन में रहने वाले वो भी दुआ करते, वो भी दुआ करते। कहा हत्ता नमलतु फी जुहरिहा, यहां तक कि इस दुनिया में अल्लाह की सबसे बारीक और छोटी मखलूक चींटी वो भी अपने सुराख में दुआ किसके लिए करती है। कुरान और हदीस सिखलाने वाले, खैर की तालीम देने वाले इन्हीं लोगों के लिए। जो सिलसिला हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने सुफ्फा के चबूतरे पर शुरू किया था और वो सिलसिला आज तक चलता हमारे और आप तक दीनी तालीम की शक्ल में, अरबी और शरीयत को सीखने की शक्ल में मौजूद है, उसी सिलसिले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनके लिए ये दुआ करती। वहत्तर भूत फी जौफिल बहर, और मछलियां भी समुन्दर की तहों के अंदर, युसल्लूना युसल्लूना, ये सब रहमत की दुआ मांगते। अला मुअल्लिमिन नास अल-खैर, वो इंसान जो अल्लाह के दीन से जुड़ा हुआ है, ये हदीस बताती है कि अल्लाह का वादा है भूखा नहीं रह सकता। आज हमारे बच्चे जो अरबी जुबान पढ़ते हैं ना, वो भी ये सोचते हैं सासे कमतरी के शिकार, अरे अरबी पढ़ के क्या करेंगे, मौलवी होकर के हाफिज होकर के क्या करेंगे, चटाई तोड़ना पड़ेगा, मस्जिद के अंदर रहना पड़ेगा, 2,000-5,000 पगार मिल जाए क्या होगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी। नहीं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, यकीन करो अल्लाह का वादा है, दुनिया की तमाम मखलूकात यहां तक कि अल्लाह के फरिश्ते खुद बारी ताला उनके लिए रहमत नाजिल करता है और ये तमाम मखलूकात रहमत की दुआ करती है, तो वो भूखा नहीं सो सकता है, वो भूखा नहीं सो सकता है, उसके घर के अंदर परेशानी नहीं आ सकती है। शर्त यह है कि ईमान हो अल्लाह पर यकीन, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर यकीन हो। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अपने आप को अल्लाह के दीन से जोड़ें, और अल्लाह के दीन से जुड़ने का रास्ता है इल्मे दीन को हासिल करना। जिसने हासिल किया है वो दूसरों को सिखलाए, और जिसने नहीं हासिल किया है वो उन लोगों से जुड़े जो सिखलाने वाले। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, खैरुकुम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कहा कि तुम लोगों में सबसे बेहतर करीम आदमी वो। अल्लाह की निगाह में, दुनिया में तो हम पता नहीं क्या क्या सोचते, दुनिया के अंदर हमारी निगाहों में पता नहीं क्या क्या सोच है, कितनी क्वालिटियां हैं, कितनी कैटेगरियां हमने बना ली है अच्छाई के लिए, लेकिन अल्लाह कहा, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह की निगाह में कौन बेहतर है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, वो आदमी जो कुरान सीखता, वअल्लमहु और सीखने के बाद सिखलाता। मैंने समाज मुआशरे के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हम जिनको पढ़ाते हैं, 10 साल पढ़ा, 8 साल पढ़ा, हिफ्ज़े कुरान कर लिया, आलिम का कोर्स कर लिया, फिर वो छोड़ देते नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा, बेहतर वो है जो सीखे और सिखलाए, उसी मैदान से जुड़ा है। आपने छोड़ दिया कुरान का इल्म, जो आपने याद किया था आपके सीने में वो निकल गया, हदीस का इल्म जो आपने पढ़ा था उसे आपने भुला दिया, नमाज की तालीमात आपने जो सीखी थी वो आपके जहन दिमाग से निकल गया। आप उसी मैदान से जुड़े रहेंगे, अपने आप को उससे जोड़े रहेंगे, मस्जिदों और मदरसों से वाबस्ता रहेंगे, अल्लाह के दीन से वाबस्ता रहेंगे, इल्म की मजलिसों से वाबस्ता रहेंगे, तो इल्म का ये नूर जो आपके सीनों में कुरान की शक्ल में, अल्लाह की शरीयत की शक्ल में, ये बाकी रहेगा। और आज तो मार्केटिंग की दुनिया है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अरबी जुबान की अहमियत हमने और आपने अपने समाज और माशरे में कम कर दी है, हमारी निगाहों में कम हो गई है। लेकिन अगर सिर्फ बाहिसियत लैंग्वेज देखा जाए, ऐसे जुबान अरबी जुबान को देखा जाए, तो आज पढ़े लिखे लोगों का मानना है कि अंग्रेजी के बाद दुनिया के अंदर अगर कोई पसंदीदा जुबान प्रोफेशनल लैंग्वेज आज भी दुनिया के अंदर है तो वह अरबी जुबान। और अगर मैं इसके आगे कुछ कहूं, जितने इस्लामी ममालिक हैं,
जितने अरबी ममालिक है और इनकी इतनी बड़ी तादाद है, इनके बोलने वालों की इतनी बड़ी तादाद है कि इतनी बड़ी तादाद दुनिया के अंदर कहीं नहीं पाई जाती। आज अरबी पढ़ने वाला, अरबी लैंग्वेज जानने वाला, अरबी जुबान सीखने वाला लाख लाख दो दो लाख रुपए की नौकरियां भी कर रहा है। आपके इसी बॉम्बे में हमने और आपने सोचा कि ये बहुत कमतर लोग हैं, इसी बॉम्बे में आपके उन कार सेंटरों में जिनमें दुनिया के मुख्तलिफ लैंग्वेज और जुबान जानने वाले लोगों की जरूरत होती है, वहां अरबी जुबान के जानने वाले लोगों का डिमांड किया जाता। उसके बाद से निकलते हैं 40-40 हजार, 50-50 हजार रुपए यहीं पर उनको सैलरी दी जा रही जो अरबी जुबान जानता। हम कहां पढ़े हुए, हम समझते हैं अरबी वाला क्या 5,000-3,000 वाला चटाई वाला आदमी। नहीं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमने इसे सोच रखा दुनिया के लोगों के यहां एक स्टैंडर्ड है उसका। आज दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर अरब मुल्कों की एम्बेसियां पाई जाती है, कौंसलेट पाए जाते हैं, वहां पे लोग नौकरियां कर रहे हैं, हमारे साथी नौकरियां कर रहे हैं जिन्होंने मौलवी कोर्स किया छोड़ दिया, अरबी लैंग्वेज की बुनियाद पर उन सफारत खानों के अंदर वो नौकरी पर लगे हुए। 80-80 हजार तनख्वाह है मेरे भाइयों, 90-90 हजार महीने की तनख्वाह है आपकी इसी बंबई के अंदर। किस वजह से? वो ना इंजीनियर है, वो ना डॉक्टर है, उसका ना कोई प्रोफेशनल कोर्स है, ना कंप्यूटर साइंस जानता है, ना उसके पास कोई डिग्री है, वही मदरसे की डिग्री है जो चटाइयों पर बैठ करके काल अल्लाह काल रसूल पढ़ करके आया था, अरबी जानता था, उसी की बुनियाद पर आज आपकी इसी बॉम्बे में मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसलकारों में नौकरी कर रहा है। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, इसलिए हमें और आपको एहसास कमतरी के अंदर मुबतला नहीं होना चाहिए। इस दीन की बड़ी कीमत है और उसके इल्म की बड़ी कीमत है, और ये दीन जिस जुबान से जुड़ा हुआ है उस जुबान की भी बड़ी कीमत। और ऐसे मुसलमान तो हमें और आपको फख्र महसूस करना चाहिए कि ये अरबी जुबान एक जन्नत की जुबान है, ये जन्नत की लैंग्वेज है, जन्नतियों की लैंग्वेज है उनकी जुबान। वहां जब इंसान दुनिया के अंदर मेहनत करने के बाद कामयाब होगा तो जो सर्टिफिकेट अल्लाह ताला देगा इंसान को, उसके दाहिने हाथ में वो अरबी जुबान में होगा, और उसी अरबी जुबान वाले सर्टिफिकेट को लेकर के जन्नत के अंदर जाएगा और उसी अरबी जुबान में जन्नतियों से आपस में गुफ्तगू करेगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अपने बच्चों को, अपने मासूमों को, घर के नौनिहालों को दीन की तालीम से जोड़ें, अरबी की तालीम से जोड़ें। हमारे वो भाई नौजवान बच्चे जो किसी दूसरे तालीम से जुड़े हुए हैं, उनका सीखना उनकी जिंदगी के अंदर इस्लामी एतबार से उनके लिए जायज है, लेकिन अगर वो दीन से दूर है तो उनकी उम्रें इस रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्हें भी चाहिए कि वो पार्ट टाइम अपने वक्त को लगा करके हजरत उमर इब्ने खत्ताब और अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हुम की तरह से पारी लगा करके अपना वक्त दे करके इल्म को सीखे, कुरान को सीखे, अल्लाह की शरीयत को, अल्लाह के दीन को सीखे, ताकि दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी हमें और आपको सुरखरुई हासिल हो सके। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने अरबी जुबान के सिलसिले में कहा कि ये मुसलमान की जुबान है, ये इस्लाम की जुबान है, और ये कुरान की और हदीस की जुबान है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस जुबान को सीखने और पढ़ने की कोशिश करे। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमारी और आपकी ये तड़प होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि हम दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को संवारने के लिए, सुधारने के लिए, और अपने बच्चों की आखिरत और उनकी जिंदगी को सुधारने के लिए उन्हें इल्मे दीन से और अरबी और दीन के उलूम से जोड़ें, और उसके सिलसिले में हमारे और आपके जहनों के अंदर जो एहसास कमतरी है और हमने और आपने अपने घरों के अंदर सौतेला सलूक दे रखा है, उसे हम और आप खत्म करने और मिटाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इल्मे दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, बारे ला हमारे नौनिहालों को, हमारे बच्चों को इल्मे दीन से जोड़ने और उस दीन को सीख करके दुनिया के अंदर फैलाने और फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ भी हम सीखते हैं और हमने सीखा है, बारी ताला उसे हमारी आखिरत के लिए मुफीद बना दे और जन्नत में जाने का उसे रास्ता बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो आज की मजलिस में हाजिर हैं,
अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मगफिरत फरमा दे और जो कुछ हमने सीखा है उसका फायदा हम फरमा दे। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।